नमस्कार, मैं 10 न्यूज से विनय कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों का धरना प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने चल रहा है। आज बहुत भारी संख्या में किसान यहां मौजूद रहे। आज भी यहां पे स्पेशल गेस्ट के में चंद्रशेखर जी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अपना भाषण वगैरह दिया। आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या इनका समाधान कैसे होगा, अब तक क्या बात कहां तक बनी है। आइए परिचय कराते हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयवीर कसाना है, मैं भारतीय दल से गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष हूं। और जो ये धरना चल रहा हमारा, आज 61वां दिन है, हमारी जो मांग पूरी नहीं हो रही है उसके लिए धरना जारी रहेगा। जो आज हमारे यहाँ पे धरने पे DCP साहब ने आके हमें आश्वासन दिया कि जो आपके 33 किसान बंद हैं वो शाम तक आने का उन्होंने वादा किया है, हम उनके वादे को झूठा नकार देंगे। लेकिन हम 29 तारीख की जो हमारी महापंचायत है उसका निर्णय, 27 तारीख की जो हमारी महापंचायत होने जा रही है उसकी हम बहुत मेहनत से महापंचायत को सफल करने के लिए निर्णय ले लिया हमने, हम उस निर्णय से हटेंगे नहीं। देखिए, जो भी हमारे बीच में राजनीतिक दलों की ओर भी हमारे भी, जो मैं विजय सिंह रिश्तल भारतीय विद्यालय प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारी भी राजनीतिक पार्टी है, और जो भी लोग आ रहे हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ताला लगाने की बात कही तो इधर से किसानों को छोड़ने की बात की जा रही है, धन्यवाद करते हैं हम उनका भी, और जो किसानों को छोड़ने की बात कर रही है उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। पर रही जहाँ तक धरने की बात है, धरना हमारा जारी रहेगा। 27 का जो महापड़ाव है, महापंचायत है, उसके लिए मैं गांव-गांव मैं खुद जा रहा हूँ, लोगों को पंचायत में आने के लिए आह्वान कर रहा हूँ, और उसको महापंचायत को करेंगे। जो हमारी मांगे हैं वो जब तक नहीं मांगी जाएंगी धरना नहीं उठेगा। जो हमारा जो सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजे की बात है, जो भूमिहीन किसान है उनके लिए 40 मीटर का किसान है 120 मीटर प्लॉट जो उनके लिए होना चाहिए, और जो हमारा जो 6% जो विकसित करके दिया जा रहा है वो 10% हो, और जो हमारी जमीन ली जा रही है इसमें हॉस्पिटल या मल्टीपल स्कूल या जो ये फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं उनमें फैक्ट्री में हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और हॉस्पिटल में हमारे किसानों का इलाज फ्री हो, और स्कूलों में हमें फ्री शिक्षा, ये हमारी मांग है और अभी ने मनवा करें। मेरा नाम शिव कुमार प्रधान है, मैं भारतीय वीर दल का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, और इस धरने का आज ये 61वां दिन है। वो तरक्की की बात तो ये है कि जो 33 किसान जेल में बंद है उन्हें छोड़ने की आज जो इन्होंने आश्वासन दिया DCP साहब ने यहाँ आकर के, अच्छा है चलो छोड़ देते हैं, लेकिन इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है छोड़ना। अगर जेल में और भरना चाहे तो हम और भी जा सकते हैं, जेल में जाने से हमें कोई गुरेज नहीं है। मेन मुद्दा जो हमारी मांगे हैं, जो जमीन संबंधी मांगे हैं, जो मुआवजे संबंधी मांगे हैं, जो क्या कहते हैं इसको, जो 10% का जो भूखंड देने की जो मांग है, ये मांगों को जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक जो है ये धरना जारी रहेगा। और एक बात और भी, मान लिया यहाँ की जमीन का मुआवजा जमीन वालों को दिया, या भूमिहीन भी तो बहुत थे जो गरीब परिवार जिनको जमीन में रोजगार मिलता था किसान के सहारे से वो जीते थे, और उस किसान की जमीन नोएडा अथॉरिटी ले ली वो कहाँ जाएंगे। अगर उनको बसना हो, उनको रहना हो, तो किसान से जमीन लेकर 10-20-100-50 गज का प्लाट बस जाते थे, अब वो ले ली इन्होंने तो उसको कौन देगा जब किसान पर जमीन नहीं रही। तो उनके लिए भी जो 40 गज प्लाट की मांग है उस पर भी जो है ये धरना जारी है और चलता रहेगा। सर आप अपना परिचय दे, अपना विचार। इंजीनियर श्यामवीर सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष भारतीय विल गौतम बुद्ध नगर। देखिए, ये 25 अप्रैल 2023 से धरना शुरू हुआ था अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले, और जो भी मांग पत्र था हमारे किसानों का उसमें कोई नई मांग नहीं थी, जो भी मांगे थी वो विधिवत अथॉरिटी द्वारा पहले ही से ही हैं, जैसे जमीन का सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, 10% विकसित प्लॉट, और आबादी निस्तारण, दूसरे 120 मीटर का कम से कम प्लॉट किसानों को दिया जाए, और भूमिहीन लोगों के 40 मीटर। इसमें कोई नई मांग नहीं थी किसानों की, सारी पुरानी है। और एक और महत्वपूर्ण था कि जो किसान कोटे से 17.5% का प्लॉट विकसित उसमें मिलता था, योजनाओं में मिलता था प्राधिकरण में, वो इन्होंने रोल बैक कर दिया है। पॉलिसी पहले से ही लागू है, ऐसी नहीं है पॉलिसी नहीं है, उन पॉलिसियों को ये रोल बैक कर दिया है। तो इसी लेके हमारा 61वें दिन तक धरना प्रदर्शन चला। अब प्रशासन और शासन की ओर से कुछ आश्वासन मिला है कि आपकी जो मांगे हैं उन पर सहानुभूति पर विचार किया जाएगा, इसको लेकर और आपके जो जेल में बंद 33 किसान भाई हैं उनका विनय शर्त रिहा किया जाएगा। तो
तो किसान इस बात को लेकर तैयार, चर्चा के लिए तैयार है, और अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो 27 तारीख को महापंचायत का महापड़ाव किया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सभी लोगों के विचार सुने, यहाँ पे जो किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, यहाँ के मुख्य अधिकारी लोगों के आपने विचार सुने। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, 10 न्यूज़।